क्लास 7 चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स क्वेश्चन 3 इज ऑफ एक्सरसाइज 2.4 फाइंड 7/3 डिवाइड 2। अभी देखिए 7/3 डिवाइड 2 है, 2 के डाउन में कोई भी डिजिट नहीं तो 1 अपन यहाँ पे राइट कर लेंगे। 7/3 जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको एज इट इज राइट करना है, डिवाइड की प्लेस पर क्या लगा देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर डिवाइड की प्लेस पर जैसे ही अपन मल्टीप्लाई पुट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में, तो उसकी जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है वो अपोजिट हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, मीन्स 2/1 का 1/2 हो जाएगा। ओके, ऐसे ही आप राइट करना है, फर्स्ट डिजिट ऑलवेज एज इट इज करना है। ओके, फर्स्ट डिजिट को कभी भी रेसिप्रोकल नहीं करना, ओनली सेकेंड वाले फ्रैक्शन को करना है, गॉट इट, वो भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में करने के बाद ही। ओके, अभी देखना है इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 1 = 7, 3 × 2 = 6। ओके, दिस इज आंसर। नेक्स्ट पॉइंट 4/9 डिवाइड 5, 5 के डाउन में 1 लगा लेंगे। मैंने बोला कि फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज राइट करना है, ऑलवेज डिवाइड के प्लेस मल्टीप्लाई, ठीक है। उसकी जो उसके बाद में जो भी नेक्स्ट डिजिट है, जो भी नेक्स्ट फ्रैक्शन है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, मीन्स अपोजिट। 5/1 है तो 1/5 बस मल्टीप्लाई करना है, 4 × 1 = 4, 9 × 5 = 45। अगर डिजिट कट हो रही होगी तभी कट करेंगे, नहीं तो कट नहीं करेंगे। ओके, दिस इज आंसर। नेक्स्ट पॉइंट इज 6/13 डिवाइड कि प्लीज से मल्टीप्लाई लगाएंगे, 7 × 1, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ये 1/7। मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 1 = 6, 13 × 7 = 91। नेक्स्ट पॉइंट इज 4/1/3, ये मिक्सड फ्रैक्शन में है तो पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 4 × 3 = 12, 12 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 13। जो भी डेनोमिनेटर में उसको एज इट इज डिवाइड करते हैं, डिवाइड, ओके, 3/1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, 13/3 डिवाइड की प्लेस पर मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3। ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 × 1 = 13, 3 × 3 = 9, दिस इज आंसर। नेक्स्ट पॉइंट इज 5, ठीक है, मिक्सड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 7, 7/2 डिवाइड 4/1, 4 के डाउन में 1 लगा लें, 7/2 डिवाइड की प्लेस में मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो हो जाएगा 1/4, 7 × 1 = 7, 4 × 2 = 8, दिस इज आंसर। नेक्स्ट पॉइंट 4/3/7, ठीक है, मिक्सड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 7 × 4 = 28, 28 + 3 = 31, 7 डिवाइड 7/1। अभी देखिए 31/7 डिवाइड की प्लेस पर मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 7/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/7, 31 × 1 = 31, 7 × 7 = 49, दिस इज आंसर। क्वेश्चन 3 कंप्लीटेड। फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड, ओके, सेम कंडीशन है, इसके डाउन में जैसे कि कोई भी डिजिट नहीं थी तो अपन ने 1 लगाया, अब इसके डाउन में ऑलरेडी दोनों फ्रैक्शन है तो बस इसका ही रेसिप्रोकल करना है। ओके, कंडीशन वही है जिसे अपन अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं, 2/5 / 1/2, 2/5 एज इट इज राइट करना है, डिवाइड की प्लेस पर मल्टीप्लाई लगाना है, सेम कंडीशन है, ठीक है। जैसे ही मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी नेक्स्ट फ्रैक्शन जो है वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स अपोजिट हो जाएगा, 1/2 है तो 2/1। ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 = 4, 5 × 5 = 5, नाउ वी हैव टू नेक्स्ट पॉइंट, 4/9 / 2/3, सेकेंड पॉइंट है 4/9 डिवाइड की प्लेस पर मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2, मल्टीप्लाई कर दें, 4 × 3 = 12, 9 × 2 = 18, ठीक है। तो अब इसलिए कट हो रहा है तो कट कर देंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, ओके, अभी भी कट हो रहा है, 2 से कट नहीं होगा, 2 से 6 कट हो रहा है, लेकिन 2 से 9 कट नहीं हो रहा तो 3 से कट करेंगे, ओके, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, तो आंसर आ गया 2/3। थर्ड पॉइंट इज 3/7
डिवाइड डिवाइड की वजह से मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/8। ओके, 7 3 21, या फिर इसको अगर ये देखिए यही से अगर कोई डिजिट कट आपको समझ में आ रही है कि किससे क्या कट करना है तो आप लोग कर सकते हैं। ये देखिए 7 से 7 कट हो जाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ से 3/8। ओके, दिस इज आंसर। नेक्स्ट पॉइंट इज 2/1/3, ये मिक्सचर फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 2 से 6, 6 से 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7/3। डिवाइड की प्लेस पर मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3। अपोजिट हो जाएगी डिजिट। ओके, तो अब इसमें कोई डिजिट कट नहीं हो रही है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 7 = 35, 3 3 = 9। दिस इज आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन इज, क्वेश्चन फिफ्थ इज 3/1/2 / 8/3। 3/1/2 ये मिक्सड फ्रैक्शन में है तो इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, 3 2 = 6, 6 and 1 = 7, ठीक है, अपॉन में 2। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 3/8। ओके, तो अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 7 3 = 21, 8 2 = 16। ओके, दिस इज आंसर। तो अब ये देखिए 2/5 डिवाइड, पहले डिवाइड क्यों लगाया, क्योंकि अभी मिक्सड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 2 1 = 2, 2 में 1 प्लस कर देंगे कितना जाएगा 3/2। ओके, तो अब देखिए 2/5 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे ये हो जाएगा 2/3, अपोजिट हो जाएगा। ओके, 2 2 = 4, 5 3 = 15, दिस इज आंसर। नेक्स्ट पॉइंट इज 3/1, दोनों मिक्सड फ्रैक्शन में है तो दोनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 5 3 = 15 and 1 16/5 डिवाइड, जो भी डिनोमिनेटर होता है उसको एज इट इज राइट करते हैं। गॉट इट, 3 1 = 3, 3 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 4 5 अपॉन में 3। अब ये देखिए 16/5 डिवाइड के प्लेस में मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/5। ओके, 16 3 = 48, 5 5 = 25, दिस इज आंसर। नेक्स्ट पॉइंट इज सेम कंडीशन है, दोनों मिक्सड फ्रैक्शन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 2 = 10, 10 में 1 प्लस करेंगे तो 11/5 डिवाइड, 5 1 = 5 and 6/5। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, फर्स्ट डिजिट एज इट इज आएगी मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/6, 11 5 = अगर ये देखिए 5 से 5 कट हो रहा है, ठीक है, बाद में भी कट करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि आप पहले ही कट कर दो तो मतलब और इजी हो जाएगा। 11 1 = 11 अपॉन में 6 1 = 6, दिस इज आंसर। क्वेश्चन 4 कंप्लीटेड। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.4। थैंक यू।